पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरोध में प्रदर्शन करने का एक मामला सामने आया है, जहां अखिलेश यादव के प्रयागराज जाने से रोके जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका, जिसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर कोतवाली में 14 सपा कार्यकर्ताओं पर धारा 341 और 188 में मुकदमा दर्ज कर 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमने योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूंका है। अच्छा, क्यों फूंका, क्या कारण? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज इलाहाबाद छात्र संघ के वार्षिक उत्सव में जा रहे थे। योगी सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जबकि छात्र संघ के वार्षिक उत्सव में जा रहे थे छात्र नौजवानों को संबोधित करने। अब उन्हें किस कारण रोका गया, ये हमें योगी सरकार से हम जवाब चाहते हैं। इस मामले में SPCT ओमबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सपा की नगर कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया था। जो जिले की कार्यकारिणी है, इनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें इनके द्वारा महावीर चौक पे एक प्रदर्शन किया गया था, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन असफल कर दिया गया था पुलिस की सतर्कता से। इसके बाद ये अपना कलेक्ट्रेट आ गए थे और अपनी बात कहकर चले गए। इसी दौरान इनका एक कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लड़का था, जिसने 3-4 लड़कों के साथ जाके एक यहाँ मोहल्ला चौराहा पड़ता है मीनाक्षी चौक, उस पर जाके एक पुतला फूका था। उसमें भी प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि वो किसी की जानकारी में नहीं था, अचानक जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली वहाँ पर पुलिस पहुँची और उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। दस्तक टीवी के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट।